की गोली लगी है, क्या है पूरा मामला, कैसे कह सकते हैं? देखिए ये चार दोस्त हैं, ये लोग आ रहे थे पंचाल घाट की तरफ से और ये कादरी गेट चौराहे पर इधर से दो मोटरसाइकिलों पर जो बताया गया है कुछ लड़के जा रहे थे वहाँ पर, इन लोगों में कुछ बातचीत हुई है और जैसा आरोप है कि उसी बातचीत और लड़ाई झगड़े के दौरान अमन शुक्ला नाम के लड़के को गोली लग गई। अब अभी FIR प्राप्त हो रही है, हम तत्काल का मामला है, हम हॉस्पिटलाइज करवाया गया है उसको। इस मामले में जो व्यक्ति दोषी हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गोली मारने वालों में से जो जैसा ये लोग बता रहे हैं उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और आरोप है कि उसी ने गोली मारी है, उसको भी चोटें हैं, उसका भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो जो भी सही तथ्य है उस फैक्ट्स का पता लगाया जाएगा और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई। दिन में भी दोनों गुटों के बीच आवास विकास में झगड़ा हुआ था, उसमें भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, कुछ लड़कियों को मोबाइल एक लड़की का टूटा है, तो क्या पुलिस की कोई लापरवाही की रही इस मामले जो गोली लगी है बच्चे? देखिए जो हमें जानकारी हुई है कि इस घटना के 2 मिनट के अंदर वहाँ पुलिस पहुँच गई थी और अगर पुलिस वहाँ 2 मिनट के अंदर न पहुँचती तो और भी बड़ी घटना हो सकती थी, इसलिए ये कहना कि पुलिस की लापरवाही है इस विषय में तो अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई। ये है कि पूर्व में क्या घटनाएं हुई, लोगों के बीच में क्या रंजिश है, क्या मामला है, किसका मोबाइल टूटा है, ये सब विवेचना का विषय है। हम जाँच करेंगे, विवेचना करेंगे और जो भी तथ्य हमें प्राप्त होंगे और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।